हालांकि रोड बना है लेकिन हालत अच्छी नहीं। सत्ता पूर्वक सबको आह्वान करता हूँ क्योंकि मेरा भी एक्सीडेंट हुआ है, चार जगह मेरा पैर टूटा है। मेरा प्रॉब्लम है कि जब मैं अच्छे काम के बारे में बताता हूँ तो वो अखबार वाले छापते नहीं। आदरणीय गडकरी साहब ने जो अभी अभी एक रिकॉर्ड किया है 44 किलोमीटर पर डे लंबाई बढ़ाने का, उसके लिए और उनका जो रोड प्रोजेक्ट के बारे में हाईवे में काम चल रहा है वो प्रशंसनीय है। हालांकि मैं आपके साथ नागपुर में सीमेंट कंक्रीट के रोड बनाने का पहला काम 25 साल पहले हम दोनों ने किया है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरे जो सातारा क्षेत्र है उसमें पारगाव करके एक गांव है जहां एक्सीडेंट बढ़ते हैं, वो ब्रिज के बारे में और अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक का कुछ सुविधा हो तो रात को जो एक्सीडेंट होते हैं वाहन खड़े रहने की वजह से वो टलेंगे। और कराड़ में मेरे गांव में एक कोलापुर नाका है जिसपे 3 लेन ब्रिज बनाया है और एक्सीडेंट बढ़ गए हैं, तो 6 लेन करने की कृपा वो करे। और पूना से शेंद्रे तक हालांकि रोड बना है लेकिन हालत अच्छी नहीं, इसलिए अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो मुझे लगता है कि और भी प्रशंसन होगा। खंबाटकी में 2 सुरंग बन रहे हैं, उसका भी काम अगर जल्दी से हो तो मैं आपका उपकार दूंगा। मुझे जो अपॉर्चुनिटी साहब आपने दिए इसलिए मैं आपका आभारी हूँ, धन्यवाद। स्पीकर महोदय, ये सम्मान्य सदस्य ने जिसका उल्लेख किया है ये निश्चित रूप से आप सबके सहयोग के कारण ये डिपार्टमेंट के लिए अभिमान का विषय है कि वर्ल्ड का रिकॉर्ड एक दिन में 25 किलोमीटर बिटुमेन 1 लेन का रोड 24 घंटे में पूरा करने का काम महाराष्ट्र में ही सोलापुर बीजापुर इस रोड पर हुआ। दूसरा, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर 4 लेन सीमेंट कॉन्क्रीट रोड 2.5 किलोमीटर 24 घंटे में पूरा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी गया है। तो एक जैसे रूडी जी ने पूछा था कि मैंने एक बिल्डिंग बनने के लिए 2 साल के बजाय 12 साल लगे थे और 120 करोड़ के बजाय 350 करोड़ लगे थे, तो मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से पूरे वर्ल्ड में वो घुमाए भाषण मेरा, तो मैंने उसमें टीका टिप्पणी या नाराजगी जताने के लिए कोई कमी नहीं की। पर मैं, मेरा प्रॉब्लम है कि जब मैं अच्छे काम के बारे में बताता हूँ तो वो अखबार वाले छापते नहीं, और जब टीका टिप्पणी करता हूँ तो वो छाप के आता है। तो पहली बात, डिपार्टमेंट में अच्छा काम भी करने वाले इंजीनियर्स हैं और निश्चित रूप से जो कुछ काम होता है जिसका श्रेय आप मुझे देते हो वो मेरा अकेले का श्रेय नहीं है, वो कलेक्टिव टीम स्पिरिट है। सभी इंजीनियर से लेकर सब लोग बेचारे जब काम करते हैं तो भी यश मिलता है, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से उनका है। सन्माननीय पाटिल साहब ने अभी जो उल्लेख किया है वो पुणे सातारा रोड के ऊपर काफ़ी समस्याएं थी, वो काफ़ी सुलझाई गई है। मुझे लगता है कि अभी इससे मैं पुणे में गया नहीं हूँ पर शायद 1-2-3 महीने में वो ख़त्म हो जाएंगी। फिर सातारा से कागल रोड है जिसमें उनका कराड़ में घर आता है, तो वो जो ब्रिज है उसको डबल करने के बारे में और जो एक्सीडेंट स्पॉट होता है उसके बारे में अगर वो NH होगा, क्योंकि मेरा अधिकार केवल NH पर ही है। बिल्कुल, तो आप आज के आज मुझे उसका एक पत्र नोटिंग तुरंत दे दीजिए। एक्सीडेंट के बारे में हम बहुत संवेदनशील हैं और मैंने ऑलरेडी ये भूमिका रखी है और इंस्ट्रक्शन दी है कि एक बार रोड नहीं बने तो चलेगा पर एक्सीडेंट को रोकना है। सर, मैं सदन के सभी सदस्यों को आह्वान करूंगा कि इनके सबकी अध्यक्षता में हमने एक कमेटी बनाई है और सर ये कमेटी जिलाधिकारी उसके सचिव है, और मुझे बहुत दुखद इससे कहना पड़ता है कि कोविड से जितने लोग नहीं मरे, कोविड में 1,46,000 लोग अपने देश में भी गए हैं और एक्सीडेंट में 1,50,000 से ज़्यादा लोग मरते हैं। और अध्यक्ष माननीय स्पीकर महोदय, इसमें से 18 से 35 वयोगट के 65% यंग लड़के और लड़कियाँ हैं, और मेरा अनुरोध है कि ये काम हमारे लिए सबसे प्राथमिकता का है। मैं सभी सांसदों को आह्वान करता हूँ कि ये कमेटी बनी है, मेरे यहाँ हमारे यहाँ विकास महात्मे करके राज्यसभा के सम्मान्य सदस्य हैं, उनको मैंने उस कमेटी का कार्याध्यक्ष बनाया और उनने 85 ब्लैक स्पॉट्स रिमूव किए। पाटिल साहब, आपके अध्यक्षता में सातारा जिले की कमेटी अस्तित्व में है, आप उस कमेटी में स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड और म्यूनिसिपल कार्गो सबका आड़ावा लीजिए,
उस कमेटी का एसपी भी मेंबर है, कलेक्टर पर जिम्मेदारी है, और जो एनएचआई के तरफ से जो कमियां हैं वो मेरे तरफ भेजिए। मैं बहुत नम्रतापूर्वक सबको आह्वान करता हूँ, क्योंकि मेरा भी एक्सीडेंट हुआ है, चार जगह मेरा पैर टूटा है, तो मैं आह्वान करता हूँ कि ये आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में जीरो एक्सीडेंट, ये अभी तमिलनाडु ने अच्छा काम किया, उन्होंने एक साल में वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 52% एक्सीडेंट कम किए और 54% लोगों की जान बचाई। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपके स्टेट में भी तमिलनाडु का अधिकरण करके और आपकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है उसमें कोई गतिरोध हो गए, कोई अड़चने आएगी या राष्ट्रीय महामार्ग से, मुझे तुरंत बताइए, मैं अपने बजट की पहली प्रायोरिटी ब्लैक स्पॉट को रिमूव करने के लिए दूंगा। और अभी 14,000 करोड़ वर्ल्ड बैंक के और एडीबी से हमने लोन भी लिया है और स्टेट के भी ब्लैक स्पॉट को मदद कर रहे हैं। आप सबके सहयोग से ये जो मरने वाले लोगों की संख्या है इसको कम करना है। कुछ कुछ अच्छे लोगों के, यंग लड़के 22-23 साल के चले गए, लड़कियां चली गई, ये बहुत ही दुखद है। और इसलिए आप सब लोग आपकी अध्यक्षता में आपके जिले को एक्सीडेंट मुक्त, जीरो एक्सीडेंट, ये मिशन को आप अपना कर करिए। हम पूरा सहयोग करेंगे और ये अगर हमने सबने मिलकर किया तो हमारा देश आज वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट करने वाला, मरने वाले लोगों की संख्या हमारी वर्ल्ड में ज़्यादा है। आप सबके सहयोग से इसको कम करने के लिए सहयोग करिए। आप वो पत्र दीजिए, मैं तुरंत करूँ।